डी स्टूडेंट्स नो वी आर गोइंग टू डिस्कस सेफ्टी लेजिशन सेफ्टी लेजिस कहते हैं कि वो कानून साजी जो हम लोग करते हैं इम्प्लाई को सेफ रखने के लिए उसे सेफ्टी लेजिशन कहते हैं यहाँ पे केस स्टडी है यहाँ पे वेन हिज मशीन शॉप वॉज इंस्पेक्टेड स्मिथ वॉज शॉक्ड विथ ओनली फाइव एम्प्लॉज एथ एक ही वॉज एग्जाम्ड फ्राम आकुपेल सेफ्टी हेल्थ एसोसिएशनपेक्शन ही वॉज इवन मोर सरप्राइज टू लर्न दैट वन ऑफ इज इम्प्लाई है कम्प्लेंट अब ये बेसिकली केस स्टडी है एजेक एक शख्स की जो बताना चाहता है ऑकोपेशनल सेफ्टी हेल्थ एसोसिएशन को उसके ही सब आर्डिनेट ने, ने कम्प्लेंट की मशीन वॉज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली फॉर एग्जाम्पल कि ऐसा ये केस है अब वो जो मशीन प्रॉपर्ली काम नहीं कर रही उस वजह से कोई नुकसान हो सकता है अब ऑकुपेशनल सेफ्टी हेल्थ एसोसिएशन ने इम्प्लाई की बात मानते हुए वो ऑपरेशन बंद कर दिए जब तक कि उनको मुकम्मल सेफ्टी नहीं होगी ये मैंने खुद भी ऑब्ज़र्व किया है कि फ़ारन कंट्रीज़ के अंदर आप लोग जब एक कंप्यूटर रेफर्स करें मैं सामने पड़ा हुआ है इसको चेक किया हुआ है कि ये ओके okay, okay, है एवरी थिंग इज़ ओके बैटरी ठीक है इलेक्ट्रिसिटी ठीक है चेकड है वेरीफाइड है तो इसके ऊपर टैग लगा होगा कि एवरी थिंग इज़ चेकड एंड वेरीफाइड इसका मतलब है कि नाउ इट हैज़ बिन चेक्ड इसी तरह तमाम चीज़ें जब चेकड और वेरीफाइड होंगी तो ऑटोमेटिकली हो तो ये ऑर्गनाइजेशन के लिए बेहतर है वहाँ पर किसी किस्म का मेजर एक्सीडेंट होने के चांसिस कम हो जाते हैं यही के स्टडीडी स्टूडेंट जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ इसमें जो थर्ड पॉइंट है वो देखें एलिक्स अटॉर्नी इनफॉर्मड हिम दैट रिटेलर टेरिटरी एक्शन अगेंस्ट द इम्प्लाई फॉर एक्सरसाइजिंग हिज राइट अंडर देशनल सेफ्टी हेल्थ एसोसिएशन रेगुलेशन इज इलीगल अब दो चीज़ें हैं अगर इम्प्लाई ठीक काम कर रहा है ठीक बता रहा है ठीक गाइड कर रहा है तो ऑकोपेशनल सेफ्टी हेल्थ एसोसिएशन की बात को फॉलो की जाएगी अगर ऑर्गेनाइजेशन ने सर्टिफिकेशन ली हुई है ऑकुपेशनल सेफ्टी हेल्थ एसोसिएशन की लेकिन उसकी प्रैक्टिस सही नहीं कर रहा इट विल क्रिएट प्रॉब्लम फॉर द आर्गनाइजेशन अब ये दोनों चीज़ें यहाँ पे देखनी बहुत इंपॉर्टेंट्स है कहीं ऐसा है तो नहीं है कि वहाँ पे कोई इलिगैलिटीज़ है चीज़ें लॉफुल नहीं हो रही तो ऑर्गेनाइजेशन को फाइन भी हो सकता है तो इन चीज़ों का जानना बहुत इंपॉर्टेंट है द हिस्ट्री ऑफ आकुपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ हैज़ बिन डोमिनेटेड बाई लेजिस्लेशन इन दिस कंट्री द रेगुलेशन कलमिनेटेड विद दैसिज ऑफ द आकुपेशनल सेफ्टी एंड नाइनटीन सेवनटी 1970 में एक्ट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में पास हुआ ये ये हिस्ट्री है बेसिकली कि कैसे लेजिस्लेशन बनी सेफ्टी के मतलब तो इन चीज़ों को लोग लेके हमें देखना पड़ेगा कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे ग्रो कर रही हैं लेजिस्टिव हिस्ट्री द आई फॉर एन आई प्रिंसिपल डोमिनेटेड अर्ली अटैम्स टू लेजिस्लेट सेफ्टी बेसिकली ये जो पहली दो लाइनें हैं डी स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं दिस कंसेप्टिटेड बेबिलियनियन लॉ ओवर फोर थाउजेंड ईर्स एगो एंड वाज आ Four learners to the famous code of हेम मबी विच वाज रिटन इन ट्वेंटी वन हंड्रेड बी सी डूरिंग दर्ट थर्टीथ इयर इस इदा में जो लजिसशन शुरू हुई ये बुनियाद बनी किस चीज़ के लिए सेफ्टी की लेजिस्लेशन के लिए अब इन सब में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ज़्यादा काम 1800 में हुआ है उसके बाद इसमें डिवेलपमेंट होती चली गई अगर हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव देखें तो ये नाइनटीन में बेहतरीन एक्ट की शक्ल में चीज़ें सामने आ गईं उसके बाद नाइनटीन जीरो थ्री नाइनटीन जीरो सेवन नाइनटीन जीरो ऐट ये बेसिकली हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव आपके लिए डी स्टूडेंट्स हमने लिखा है इसको लाजमी आप देखिएगा इन चीज़ों को क्योंकि हिस्टोरिकल परसपेक्टिव से हमें पता चलता है कि ये जो इस वक्त लेजिस्लेशन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एग्जिस्ट कर रही है वो किन किन फेजिज़ से गुजरने के बाद यहाँ तक पहुँची है अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको हम लोग देखते हैं ये नाइनटीन के वाले से हम बात कर रहे हैं ऑकोपेशनल सेफ्टी हेल्थ की बात कर रहे हैं इसके बाद हम लोग मूव करते हैं ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एक्ट की तरफ ऑल दो मोर देन नाइन्टी मिलियन अमेरिकन नाइनटीन सेवनटी से पहले की बात कर रहे हैं फिर तो उसके बाद की फेज की हम बात कर रहे हैं नो यूनिफॉर्म एंड कम्प्रीहेंसिव प्रोविजन एग्जिस्टेड फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट वर्क प्लेस सेफ्टी एंडी तक भी जेनवन यूनिफॉर्मटी एग्जिस्ट नहीं कर रही थी इन नाइनटीन सेवनटी कांग्रेस कंसीडर्ड एनुअल फिगर्स सच एज एजीज जॉब रिलेटेड एक्सीडेंट्स अकाउंटेड फॉर मोर देन फोर्टीन थाउजेंड वर्कर चौदह हजार वर्कर फौत हो चुके थे अब कौन ज़िम्मेदार है ऑर्गेनाइजेशन इंप्लायर और इंडस्ट्री और वर्किंग एनवायरनमेंट। इट इज़ वेरी अलार्मिंग सिचुएशन अगर आकोपेशनल सेफ्टी हेल्थ एसोसिएशन के मुताबिक उन चीज़ों को प्रॉपर सुपरवाइज किया जाता मैनेज किया जाता तो चांसिस वर्दे यू कैन कंट्रोल दिस पर्टिकुलर रेशो और ये जो अमाउंट है फिगर है इसको कम किया जा सकता था और लास्ट में नियरली टू पॉइंट टू मिलियन वर्कर्स वाल डिसेबल्ड, चौदह हजार बंदे एक्सीडेंट का बायस बने और टू पॉइंट टू मिलियन वर्कर्स जो थे उनके वो डिसेबल हो गए परमानेंट या पार्शल डिसेबल, टेन टाइम्स एज मैनी डेज व लास्ट फार जॉब रिलेटेड डिसबिलिटीज एस्टिटेड न्यू केसेज ऑफ आकोपेशनल डिजीज टोटल थ्री लैक वर्कर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ये वो फिगर है हैं जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड एक्ट के मुतलक हैं अब ये जो हेल्थ एक्ट है ये लोग को डील कर रहा है अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स पहनते हैं तमाम चीज़ों को एस के मुताबिक करते हैं ऑकोपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ लेजिस्लेशन को फॉलो करते हैं स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली इन फिगर को हम काफ़ी हद तक रिड्यूस कर सकते हैं